सड़क पर मिले महंगे मोबाइल को एक युवक ने पुलिस को सौंपा। युवा सुब्रत नाहा इस बात का सबूत है कि ईमानदारी अभी खत्म नहीं हुई है। घर विशालगढ़ कार्यालय न्यू पल्ली एरिया। रविवार दोपहर सुब्रत नाहा नाम का एक युवक अपने विशालगढ़ ऑफिस टिला न्यू पल्ली से घर जा रहा था, तभी उसने सड़क पर एक बहुत ही महंगा एंड्रॉइड मोबाइल परा देखा। उसे सड़क पर मोबाइल परा मिला, मोबाइल के आसपास कोई नहीं था। तब उसे लगा कि सड़क पर राहगीर की जेब से मोबाइल फोन गिर गया होगा। उसने मोबाइल फोन उठाया। रविवार से सोमवार दोपहर तक वह मोबाइल पर किसी कॉल का इंतजार करता रहा, लेकिन रविवार से सोमवार तक मोबाइल पर एक भी फोन नहीं आया। मोबाइल का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 22,000 रुपये होगा। सोमवार दोपहर सुब्रत नाहा ने मोबाइल फोन विशालगढ़ पुलिस को सौंप दिया, ताकि पुलिस मोबाइल फोन के असली मालिक का पता लगाकर उसे मोबाइल फोन सौंप दे। हालांकि पुलिस ने मोबाइल कंपनी का नाम बताने से इनकार किया है। मोबाइल कंपनी का नाम सार्वजनिक होने पर कोई भी बदमाश थाने में मोबाइल जब्त करने आ सकता है। ईमानदार और समर्पित युवक सुब्रत नाहा और विशालगढ़ थाने की पुलिस भी मोबाइल को उसके असली मालिक को सौंपना चाहती है। ईमानदार और समर्पित युवक सुब्रत नाहा को विशालगढ़ पुलिस ने सम्मानित किया। नतुन पल्ली बाड़ी जावर समय एक टाच मोबाइल पाई रास्तार मध्य तो मोबाइल टाइम कल के दोपुर आज के दोपुर पर्त एब्धि को फोन नहीं मध्य कोगाजोग क्यों पर्त करा तो संबादमे द्वारस्थ हुई वही एन कई जो उपयुक्त प्रमाण सहकारे हमें विशालगढ़ पी एस ए जमा दिया दीताी ओखान मोबाइल कलेेक्ट कर मोबाइल टाच मोबाइल ना टाच मोबाइल अपन नाम सुब्रत नाहा ओबियसलि नतुन पल्ली এখন মোবাইলটা পিএসএস না পিএসএ দিয়ে দিচ্ছি।